अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और ये मैंने ब्रेकफास्ट लगाया था अपने बेटे के लिए, तो वो जाने वाला था स्कूल के लिए, तो उसने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया था। एक घंटा एक्सरसाइज करने के बाद हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया था और हमने बैठकर साथ में नाश्ता किया। और ये मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक किया था, इसमें मैंने एक एप्पल रखा था जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक बर्गर मैंने घर पर ही बनाया था वो भी लंच बॉक्स में रखा है मैंने, और एक साइड पर मैंने बिस्किट्स रखे थे कुछ। और लंच बॉक्स पैक करने के बाद और पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह भी मेरी हो चुकी थी, कपड़े मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे, तो कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे घर से आने के बाद, और ये बहुत सारे कपड़े यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और ये मेरा बेटा मस्ती करते हुए, और अभी मुझे नहाना है तो मैंने वॉशिंग मशीन को ऐसे ड्रायर को खुला छोड़ा है ताकि मैं हाथ से वॉश कर लूँगी अपने कपड़े, और उसके बाद में मैं ड्रायर कर दूँगी कपड़ों को और फिर मैं नहा लूँगी। कपड़े वॉश करने के फौरन बाद मैंने अच्छे से घर क्लीन कर दिया है, ये देखें सारे में मैंने अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर दी है। बेसिन एरिया और जाल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये है एक स्नेक प्लांट जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, एयर को प्योरीफाई करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडोर प्लांट है ये। और ये देखें किचन का टॉप काउंटर और गैस भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, और फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन किया है ये देखें, और रूम भी मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी, और ये मैंने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर ली है और मेडिसिन भी मैंने ले ली है। और अपने बेटे को भी मैंने नहला दिया था पहले, और उसके बाद में मैं नहाने के लिए जाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का। और ये देखें फ्लोर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा पूरा फ्लोर। और ये देखें, ये मैंने अपने हस्बैंड के शूज़ भी वॉश करके रखे थे आज। और उसके बाद में लंच टाइम हो गया था, मैंने बनाई थी खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी जो कि दही और प्याज के साथ मैं और मेरा बेटा हम दोनों ले रहे थे, खा रहे थे इसको लंच में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर रेडी हुई थी। ज़्यादा पतली खिचड़ी मुझे नहीं पसंद है, और ये अचार थोड़ा सा मेरे बेटे ने लिया है, वैसे मैं उसको अचार कम ही देती हूँ। उसके बाद में शाम का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। मैंने बनाया था बैंगन का भरता, ये देखें मैंने बैंगन पे अच्छे से ऑयल लगा लिया था, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद में इसको मैं अच्छे से भून लूँगी बैंगन को इस तरह से, और आप चाहें तो बैंगन को बॉईल भी कर सकते हैं कट्स लगा के और पानी में अच्छे से बॉईल कर सकते हैं, बट इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो भूनने से, इस तरह से भूनने से ही बहुत ज़्यादा अच्छा आता है बैंगन के भरते का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, इसका स्मोकी फ्लेवर जो इसमें आ जाता है एक इस तरह से भूनने से, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसका छिलका सारा मैंने निकाल दिया है, और जो इसमें प्याज वगैरह थी वो मैंने कट करके रख ली थी, तो उनको पहले मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको भी मैं अच्छे से इसमें भून लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है हल्दी, हल्दी से बैंगन के भरते का कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, और मैं ज़रूर हल्दी ऐड करती हूँ बैंगन के भरते में, वरना तो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है बैंगन के भरते का, तो मुझे हल्दी पसंद है बैंगन के भरते में, मैं ज़रूर डालती हूँ। और इसके बाद में मैंने इसमें भरता जो मैंने बैंगन को मैश करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड किया था। और इस तरह से मैं इस सभी मसाले को आपस में मिक्स कर लूँगी, और उसमें मैंने डाला है सबसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है,
और यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। और इसमें मैंने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा भी पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद में मैं बनाने लगी थी रोटी, और बैंगन का भरता मेरा बन के एकदम रेडी था। उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए बनाने लगी थी, ये थोड़े से सोया चंक्स रखे हुए थे, इनको मैंने अच्छे से पानी में डिप करके रखा था। थोड़ा सा प्याज मैंने कट किया है और गरम तेल में मैंने इनको ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा सा मुझे फ्राई करना था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मुझे हल्का सा फ्राई करना था इसको, प्याज को। गैस को मैंने लो फ्लेम पर किया हुआ है। आप चाहें तो कोई भी वेजीज और इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और हरी मिर्ची मेरे पास तीखी वाली थी तो मैंने स्किप किया है, क्योंकि मैं इन्हें बना रही थी अपने बेटे के लिए, तो मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था इसको। तो मैंने ये प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद में मुझे इसमें डालने हैं सोया चंक्स, ज़्यादा स्पाइसी मुझे इसे नहीं बनाना था। ये देखें, मैंने इसमें सोया चंक्स डाल लिए हैं अच्छे से, और ये काफ़ी अच्छे सोया चंक्स हैं। ये डीमार्ट से ही मैं लाती हूँ पैकेट इसका, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इनको भी मैं प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी हल्का सा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से सॉसेस डालने थे, चटनी वगैरह डालनी थी, तो मैंने नमक थोड़ा ही रखा है, क्योंकि सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। और जो मैं शेज़वान चटनी ये मेरे पास रखी हुई थी, ये भी इसमें ऐड करूँगी, इसमें भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए सॉल्ट मैंने थोड़ा डाला था। ये देखें, केचप मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें केचप काफ़ी सारा डालता है, सोया मंचूरियन भी इसको कहते हैं। और मेरे पास कैप्सिकम नहीं था, कैप्सिकम में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, उसे मैं डाल सकती थी, बट अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बना रही थी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। और एक स्पून मैंने इसमें डाला था शेज़वान चटनी, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, अच्छी लगती है खाने में, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और इन सभी सॉसेस को मैंने मिला के मिक्स कर लिया है, और ये देखें इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आता जा रहा है। इस तरह से मेरे बेटे को कभी कोई चीज़ खाने में, कोई सब्ज़ी वगैरह खाने में बच्चे अगर परेशान करते हैं, तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपने भिगोकर नहीं रखे हैं तो आप सोया चंक्स को बॉईल भी कर सकते हैं जल्दी से, फौरन से, अगर आपको बनाने हैं एंड टू एंड, तो आप इन्हें बॉईल करके भी जल्दी से बना सकते हैं। और ये देखें कितने टेस्टी ये बनकर रेडी हुए थे, और ये सोया चंक्स मेरे फिनिश हो गए थे, तो मैंने अभी इतने ही बनाए थे अपने बेटे के लिए। ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुए थे, और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।